गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो आज ही हमारा जो आईएलटी आपका चैप्टर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, उनका हमारा आज का ये हमारा चौथा टाइप है, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक लास्ट टाइप बचता है सीरीज पॉइंट लोड, और वो करते ही हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो अभी तक जो हमने तीन टाइप पढ़े उसमें जो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब यूडीएल आपका क्या हो, किसी स्पान से छोटा हो, वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या होती है, दो तीन डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, टू पॉइंट लोड वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो तीन जगह पर डिस्टेंस अपन को निकालनी पड़ेगी। और जो आपका लास्ट टाइप है सीरीज पॉइंट लोड, वो भी आपका एग्जाम पॉइंट लोड से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसको मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है इसकी मैं बोल देता हूं। लैंग्वेज आपको कह रहा है कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है जिसका आगे वाला टायर जो है वो तो 20 किलोमीटर का, पीछे वाला जो टायर है वो 30 किलोमीटर का है, और उनके दोनों ट्रक के बीच की जो टायर है उनकी जो दूरी है बीच की 4 मीटर है, वो एक 10 मीटर के गर्डर जो है किसी ब्रिज को क्या करता है, लेफ्ट से राइट में क्रॉस कर रहा है। तो इसके 3 मीटर पर उसने कह दिया कि आपको शियर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव तथा बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है, साथ में आपको एसिडिटी टेप भी बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। बाकी आपको पीडीएफ के अंदर मैं इसके क्वेश्चन भेज दूंगा, क्वेश्चन ही भेज दूंगा, सॉल्यूशन तो नहीं होगा मेरे पास में, होगा तो ही भेज दूंगा, देख लूंगा। चलिए तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए तो आपको पता है कि ये आपका क्या हो गया, 2 पॉइंट लोड वाला हो गया। जब 20 किलोमीटर का लोड आपके सी पर होगा, और सी ये 20 है, यहां से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पर लग रहा है 30, और 4 मीटर क्या हो गया, इससे इधर चला गया, वो शो करेंगे या अपने शो नहीं करेंगे। तो नेगेटिव शियर फोर्स कब मिलेगा, जब 20 किलोमीटर का लोड आपके सी पर होगा। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब 30 किलोमीटर का लोड सी पर होगा। ये तो बेसिक चीज है जो आपको पता है, डायग्राम बनाना चाहो तो बना देना। ये है आपका 10 मीटर, ये आपका सी है, यहां पर क्या एक्ट करेगा, 20 किलोमीटर का लोड, और यहां से 4 मीटर की दूरी पर आपका क्या एक्ट कर रहा है, 30 किलोमीटर। 30 को सो करो तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी सही है, ठीक है। ये दूसरा डायग्राम, ये मेन डायग्राम, इसके नीचे दो डायग्राम बनाओगे तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो भी सही है, ठीक है। लैंग्वेज में एग्जामिनर आपका समझ आएगा। इस बार 30 किलोमीटर का लोड कहां पर एक्ट करेगा, यहां पर, और इसके 4 मीटर की दूरी पर कौन एक्ट कर रहा है, 20 किलोमीटर का लोड। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर, ये 4 मीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस पीछे कितनी होगी, 3 मीटर हो गया, क्लियर है, टोटल 10 मीटर है ना। इसके नीचे क्या बनाना है अपन को, शियर फोर्स बढ़ा दो, ए बी नेगेटिव के लिए कैसा बनेगा शियर फोर्स, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत है क्या, सीधी रेखा बनानी है एकदम सीधी, मेरे से तो टेढ़ी बन रही है, तुम सीधी जरूर बनाना। पॉजिटिव ऐसा बनेगा, लेकिन जहां तक लोड आ रहा है वहां तक ही शो करना है, ठीक है ना। पॉजिटिव आपका यहां पर बनेगा, नेगेटिव आपका पूरे इस जोन तक बनेगा, तो ऐसा आपको शो करना है, ठीक है। ये सी हो गया, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, और ये 3 मीटर, कोई दिक्कत है क्या भाई, सब कुछ विजिबल है, ठीक है। पहले सीधे फोर्स बता रहा हूं मैं, फिर मैं बताऊंगा बैंडिंग। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3 मीटर, लेंथ कितनी है 10 मीटर, ए बटा एल 3/10.3, एल माइनस ए बटा एल वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो 10 - 3/10 7/10.7, ठीक है। ये जो दूरी होगी ये तो कितनी होगी, ए बटा एल होगी, और ए बटा एल कितना है 0.3, तो ये अब पता है इसलिए बढ़ाई 0.3 लिख रहा हूं। ये दूरी कितनी होगी, L माइनस ए बटा एल, और L माइनस ए बटा एल कितना है 0.7, ठीक है।
अब पहली चीज क्या निकालनी है, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। क्या लिखोगे लैंग्वेज, 20 किलोन्यूटन लोड एक्ट एट सी। ठीक है, तो 20 एक्ट कर रहा है सी पर, 40 कहां पर है, इस ए से भी इस तरफ है क्या, 40 नहीं 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ए से भी इस तरफ है क्या, उसको काउंट करेंगे क्या, काउंट नहीं करेंगे। शियर फोर्स निकालना है, तो शियर फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये क्या है, पॉइंट लोड ही तो है, पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस। पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस। टू पॉइंट लोड के लिए भी क्या होगा, लोड इंटू डिस्टेंस। शियर फोर्स, लोड कितना है भाई, यहां पर 20 किलोमीटर लोड है, इधर है कितना 30, 20 वाले काउंट हो रहा है, तो 20 दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस 0.3, कितना आ गया 6 किलो न्यूटन। शियर फोर्स है ये भी कौन सा, नेगेटिव, तो -6 किलो न्यूटन। ये लो बताओ कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, क्या लिखोगे, पॉजिटिव कब प्राप्त होगा, जब 30 किलोमीटर का लोड कहां पर होगा, सी पर, 20 इधर आपके राइट साइड में होगा, 30 किलो न्यूटन लोड एक्ट एट सी। ठीक है, तो देखो अगेन ये आपका क्या बन रहा है, टेम्पोजोरियल बन रहा है, टेम्पोजोरियल बन रहा है, तो उसके लिए अपन को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, फॉर्मूला क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर तो क्या है, 30 की डिस्टेंस कितनी होगी 0.7, यहां पर कितना है 20 की डिस्टेंस कितनी होगी एक्स, तो एक्स निकालनी पड़ेगी। अब इस बार अपन एरिया क्यों ले रहे, एरिया किसमें लेते हैं, यूगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप खुद निकाल सकते हो, आप 0.7 के बटे में कितना हो जाएगा 7, एक्स के बटे में कितना हो जाएगा 3, तो एक्स निकाल दो यहां से, 0.7 इंटू 3 बटा 7 0.3। ठीक है ना, ध्यान रखना है लोड इंटू डिस्टेंस, पॉइंट लोड के लिए, यूनिट के लिए लोड इंटू एरिया। निकाल दो शियर फोर्स, लोड कितना है 30, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 0.7, 30 दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 0.7, प्लस 20 दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है x, 30 इंटू 0.7 प्लस 20 इंटू एक्स का मान कितना है 0.3, ये कितना हो गया 210, पॉइंट लगाया 21, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 27 आ रहा है क्या, सही है, ठीक है 27 किलो न्यूटन, और इसके आगे प्लस ही लगाना है क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव शियर फोर्स। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, तो 2 पॉइंट लोड का क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिस्टेंस आपको निकालेंगे, तरीका मैंने बता दिया, इसके बटे में यहां से लेके यहां तक, इसके बटे में ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, ये तो लेक्चर आपका छोटा सा ही बढ़ जाएगा 20-25 मिनट का। हाँ ठीक है, तो ये बन गया आपका फाइनल एसएमटी, इसको मिला दो इधर, ये लो इसको मिला दो इधर, ये यहां तक ऐसे मिला देना, ये क्या बन गया शियर फोर्स टाइप का, ये दोनों बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, ठीक है नहीं बनाओ तो भी बढ़िया, ये इसी के नीचे बीएमडी बनेगा, बीएमडी ध्यान में रखना, इसी के नीचे बनाना है, और एग्जाम में ध्यान में रखना है ये मेन पेज है, मतलब ये आपकी कॉपी है, ये जैसे कि तुम्हारी कॉपी है, यहां क्वेश्चन उतारा पीछे वाला नीचे वाला पूरी जगह छोड़ दी, यहां से स्टेप स्टार्ट करना है, यहां से ये जो मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि तुम इसी पूरे कॉपी में दो मार दो लाइन, ऐसा नहीं है, तो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जगह कम है आपके, इसलिए तुमको ये इसलिए पेज है, इस पेज पर मैं डायग्राम जो भी उतारा उसके नीचे ही बनाना है एसएफडी, उसी के नीचे बीएमडी बनाना है, यहां से स्टेप चालू करना है अपने, फिर ताकि एग्जाम में जैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन देखे एसएफडी बीएमडी को देखे सही लग रहा है उसको, तो पूरे में से गोल नंबर आपको देखिए। ठीक है ना, चलो चलो ये चीज तो होगी अपने, किसकी शियर फोर्स की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी शियर फोर्स में, तो सिंपल है, उसमें क्या करते थे याद करो, रोलिंग लोड वाले में इस पर मूवमेंट फिर इस पर मूवमेंट, ठीक है ना, इसमें सीधे डायग्राम बनाया और सीधे कहानी खत्म होगी, डायग्राम बनाते हैं। अब बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट भी आपको पता ही है, बेंडिंग मोमेंट फिर कहां पर आएगा, जब 30 किलोमीटर का लोड कहां पर होगा सी पर, वो शो कर दो, ए बी यहां एक्ट करेगा 30, 4 मीटर की दूरी,
यहां एक्ट करेगा 20, ये दूरी 3 मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बड़ा बड़ा है। ए बी, ये सी है तो सी के लिए कैसा बनता है, ऐसा स्ट्रेट बना है। ठीक है, लेकिन इन लोड के नीचे आपको शो करना है कि भाई यहां से यहां तक आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये लो भाई, तो इसके नीचे इस प्रकार से शो कर देना। ठीक है, क्लियर है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है पता ही है अपन को, एल माइनस ए बटा एल इंटू ए, बस वही चीज है, वही चीज करनी है अपन को। ये वैल्यू निकाल रहा हूं, ये वैल्यू तो एल माइनस ए बटा एल इंटू ए, एल कितना है 10, ए कितना है 3, एल कितना है 10, ए कितना है 3, 21 बटा 10 2.1, तो ये कितना आ जाएगा 2.1। और बेंडिंग मोमेंट निकालना फॉर्मूला वही, लोड इनटू डिस्टेंस, 30 के साथ में ये वाली, 20 के साथ में ये वाली, तो ये वाली निकालनी पड़ेगी, इसको y मान लो तो निकाल दो, ये कितना है टोटल 7 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, तो 2.1 के बटे में कितना होगा 7, और y के बटे में कौन होगा, y के बटे में कौन होगा ये, और ये कितना है 3, y निकाल दो यहां से 2.1 इंटू 3 बटा 7 0.9 आ रहा है क्या, ठीक है भाई, y आ गया 0.9, ये लो स्क्रीनशॉट एक बार पहले, ठीक है 0.9। अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बस क्या दिक्कत है, लैंग्वेज क्या लिखोगे, जब 30 किलोन्यूटन का लोड कहां पर होगा, सी पर होगा, बी सी पर होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लोड इंटू डिस्टेंस, लोड कितना भी, लोड है 30, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 2.1, फिर लोड कितना है 20 का, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 0.9, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये लो भाई 2 पॉइंट लोड का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बढ़ गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उससे पहले क्या बना था, शियर फोर्स डायग्राम, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ, तुम बता भी नहीं सकते, ठीक है ना, कोई नहीं, चैट में बता देना, कॉल करके पूछ लेना जो दिक्कत हो, बाकी तुम्हारा लाइसेंस नहीं। तो फिर ये अपना क्या हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारा चार टाइप हो चुका है और हमारा लास्ट टाइप बचा है टाइप नंबर 5 सीरीज पॉइंट लोड, उसको कराते ही आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचता है, टेस्ट वाला शेड्यूल बचता है, वो ले लेंगे और स्टील स्ट्रक्चर अपने स्टार्ट कर देंगे, जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि जैसे कि मैंने एक दो कोई क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, एक दो मैंने कोई क्वेश्चन देखे थे, बाकी जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन ऐसा ही आना है जब सेक्शन आपका गिवन होगा, क्वेश्चन वही आना है तो उसी पर फोकस करना, ठीक है, सेक्शन इज नॉट गिवन तो माथा मारो ही मत पहले। तो देखो एक दो कोई क्वेश्चन मैंने देखे थे, जैसे कि 2 पॉइंट लोड का क्वेश्चन आता है, मान लो यहां पर 10 किलोन्यूटन है, यहां पर 20 किलोन्यूटन है, तो क्वेश्चन क्या है, ये ए है मान लो, ये बी है और ये डिस्टेंस आपकी 3 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस पीछे 6 मीटर है। क्वेश्चन मैंने ये देखा था कि जो एग्जामिनर है वो ये दे देता है
ये क्वेश्चन दे दिया 2.4 का, और क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया कि इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो, और दो बार पूछ लिया x बराबर 3 मीटर पर भी, x बराबर 6 मीटर पर भी, यानी दो बार आपको करना पड़ेगा। दो बार करने का मतलब ये हो गया, पहले ये डिस्टेंस कितनी माननी है 3, यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, फिर क्या करेंगे भाई, फिर आप 6 मीटर पर क्या रखोगे, 6 मीटर पर लोड को रखोगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी 6 मीटर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा था, तो जिस दुख में होगा या एंगल क्वेश्चन है वो आपको शेयर कर देंगे, उसको और कर लेना, उसके जाने के चांसेस है। तो फिर ये अपना क्या हो जाता है कि टाइप नंबर जो फोर्थ है वो आपका कंप्लीट हो जाता है 2.4 का। फिर उसके अंदर हमारा बचता है एक टाइप सिंगल या सीरीज 0.4, उसको अपने कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिंपल है, वही है लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस, तो वो भी अपने कर देंगे और चैप्टर को अपने खत्म कर देंगे। इसको साथ ही अपना थ्योरी पुस्तक से कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 मंथ का आपका टाइम ले गया। जैसा कि यहां तक मुझे याद है कि मैंने 15 जनवरी से स्टार्ट की थी साइंस क्लास, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च तक, जैसे कि 2 मंथ का टाइम पीरियड हो रहा है हमारा क्लास को पूरा करवाने में, इतना ही टाइम पीरियड हमें कहां लगता है, ऑफलाइन मोड में लगता है, ठीक है ना। बस मेन यही है कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन में ये डिफरेंस है कि जैसे यहाँ पे अपने 30-35 मिनट का लेक्चर बनाए तो वहां पर इतना ही लगता है, जैसे 1 घंटे की क्लास है, पूरे 1 घंटे तो लगती नहीं है, 1 घंटे तो पूरा कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है, 5-1 मिनट वो वेट करता है बच्चे जब पूरे आ जाते हैं, फिर वो कहता है हाँ ये चीज है, कल क्या पढ़ा था, थोड़ा बेसिक पूछ लेता है उसके बारे में, फिर वो पढ़ाना आगे स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद में बीच बच्चों के डाउट होते हैं वो डाउट क्लियर करता है, फिर उसके बाद में बच्चे उतारते हैं, वो समय लग जाता है। ऐसे करके जैसे मैं 30-35 मिनट का लेक्चर बना रहा हूँ तो वही समय मान लीजिए आपके 1 घंटे की लेक्चर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना एक टाइम पीरियड है, 2 मंथ में हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, 7 यूनिट है इसके अंदर, और 7 यूनिट को अपने अच्छे लेवल से करा है, और ऑब्जेक्टिव अगर है आपके तो उसके टेस्ट ले लेंगे अपने, नहीं है तो फिर आपके सीधे ऑफलाइन मोड पर टेस्ट लेंगे, आपके रिफंड होंगे, ठीक है। चलो इसको एंड करता हूँ मैं लेक्चर को, ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर है आपके, ठीक है।